हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइप और पाइप फिटिंग में विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन का पहला है टेस्टिंग, जिस विधि के द्वारा उसकी स्थिति, गुणवत्ता और उसकी वास्तविकता का निर्धारण किया जाता है उसे परीक्षण कहते हैं। परीक्षण पर कुछ गुणवत्ताओं टेस्टिंग करना, उपयोग या परियोजना प्रबंधन परीक्षण में यांत्रिक गुणों के लिए किया जाता है, जैसे कड़ापन, लचीलापन, कठोरता, लचीलापन, कठोरता, आकार, सतह फिनिश, रंग आदि। परीक्षण में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, दो प्रकार की हैं, गैर विनाशकारी परीक्षण NDT, विनाशकारी परीक्षण DT, है ना। टी का मतलब क्या होता है, टेस्टिंग, है ना, डिस्टोरेशन, नॉन डिस्ट, है ना। तो चलिए NDT में देख लेते हैं, दृश्य निरीक्षण, रेडियोग्राफी, चुंबकीकरण का निरीक्षण, तरल व्याप्ति निरीक्षण, अल्ट्रासोनिक निरीक्षण, AD धारा निरीक्षण और विनाशकारी निरीक्षण में तनाव निरीक्षण, क्रैश परीक्षण, कठोरता परीक्षण, मेटेलोग्राफिक परीक्षण। दृश्य निरीक्षण में देखिए क्या चीज़ आती है, दृश्य निरीक्षण केवल अवलोक वस्तु का मूल्यांकन करना, एक उपयोग की जाने वाली वस्तु की विनाशकारी परीक्षण विधि है। उपयोग किए जाने वाले निरीक्षण प्रयोग कर किया जाता है, जिसे दृश्य निरीक्षण कहा जाता है। आइटम की सतह की स्थिति, मचे होने वाली सतह का संरेखण करना, आयाम के अनुसार सेटिंग की डिज़ाइन, ये देख सकते हैं, देख कर निरीक्षण करने के लिए मैकेनिकल और वैकल्पिक आवश्यकता होती है ना। दृश्य निरीक्षण आमतौर पर दोषों का पता लगाने के लिए नियोजन की प्रथम विधि है। दृश्य निरीक्षण आउटलेट मोस्ट NDT विधि होती है। अब ऑप्टिकल एड्स और यांत्रिक एड्स। ऑप्टिकल एड्स क्या है, मैग्नीफ्लाइंग ग्लास। यांत्रिक एड्स में देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स, इधर माइक्रोस्कोप, इधर माइक्रोमीटर, फाइब्रोस्कोप, डेप्थ गेज, वीडियो कैमरा, फिलर गेज। तो ये ऑप्टिकल एड्स में आप देख लीजिए, मैग्नीफाइंग, माइक्रो प्लस, फाइब्रोस्कोपस, वीडियो कैमरा, और यांत्रिक एड्स में वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज और फिलर गेज। दृश्य निरीक्षण के प्रकार, प्रत्यक्ष दृश्य निरीक्षण, रिमोट विजुअल परीक्षण, पारदर्शी दृश्य परीक्षण, प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण। यह आमतौर पर तब किया जाता है जब सतह पर 600 mm के भीतर को रखने के लिए पहुंचना पर्याप्त होता है और दृष्टि और सतह के बीमाओं के बीच 30 डिग्री कोण से कम नहीं होना चाहिए। पारदर्शी दृश्य परीक्षण, यह प्रत्यक्ष दृश्य निरीक्षण का एक पूरक विधि है। प्रकाश की सहायता का उपयोग किया जाता है तो में उपलब्ध होता है। उत्पादन दिशात्मक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सतह के नीचे सतह पर कोई चमक या नहीं होनी चाहिए। दृश्य निरीक्षण का लाभ, एडवांटेज ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन, अच्छे दृश्य के अलावा किसी भी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। विनाशकारी परीक्षण के अन्य विधि से बहुत सही होता है, यह तत्काल परिणाम प्रदान करता है। इसके लिए इंस्पेक्टर को न्यूनतम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दृश्य निरीक्षण के लिए कम उपयोगी उपकरण की आवश्यकता होती है। दृश्य निरीक्षण से हानि, दृश्य निरीक्षण की सटीकता बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर के अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करती है। केवल बड़े दोषों असंतुलन का पता लगाया जा सकता है। दरारों के रूप में स्क्रेच की गलत व्यवस्था की संभावना होती है। यह केवल सतह डायमेंशन दोषों को प्राप्त लगाने ताकि सीमित हो सके, ठीक है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सुने और समझ सकें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर हम पढ़ेंगे गुणवत्ता और नियंत्रण पर निरीक्षण।